ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, एक ए बी दिया हुआ है, A3 A5। तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, बोला है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए बी डी, है ना। तो SL का फार्मूला हमारे पास क्या है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन, ये हमारे पास फार्मूला है ना, कॉमन फार्मूला है SL का, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देन सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज दैट गिवन, यहाँ पे 2a, 2a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, a का मतलब है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे इत्तेफाक से जो है फर्स्ट टर्म a भी दिया हुआ है, तो 2a ही रहेगा, और n माइनस वन, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब d की वैल्यू पुट करेंगे, d जो है आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे d निकालेंगे तो t2 माइनस t1 कर लो, t2 है यहाँ पे 3a, 3a और t1 क्या है a, तो क्या आ गया ये 2a, d की वैल्यू क्या आ गई 2a, तो यहाँ पे d की वैल्यू 2a पुट कर, राइट। तो ये देखिए n बाई टू ही रखेंगे, अब ये 2a और ये n माइनस वन इंटू टू ए, तो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा 2an-2a, राइट। अब ये 2a 2a कैंसिल भी हो गया, तो n बाई टू और ब्रैकेट में बचता है 2an, और तो कुछ बचा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे an स्क्वायर हो गया, तो sn इज इक्वल टू क्या आ गया, an स्क्वायर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ओके okay?